स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने के बारे में भी आपने कभी सुना है? जी हाँ गाइज, इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप क्रेडिट कार्ड से 1,00,000 रुपये महीने तक कमा सकते हैं। और यही बात खत्म नहीं हो जाती है, क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ करके आप 10,00,000 रुपये तक भी बना सकते हैं। तो गाइज, इसी के ऊपर डिस्कस करने के लिए आज का ये सेशन हमने रखा है। आज के इस सेशन में गाइज मेरे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर संदीप धारा, जो कि क्रेडिट कार्ड्स के एक्सपर्ट हैं, क्रेडिट कार्ड्स को बहुत एक्टिवली यूज़ करते हैं और इनका जुडिशियसली यूज़ करते हैं। तो गाइज, संदीप सर का बहुत बहुत स्वागत कर लेते हैं। संदीप भाई, कैसे हैं आप? और आपका बहुत बहुत स्वागत है माई कंपनी के मंच पर। विकास भाई, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। थैंक यू सो मच विकास भाई, आपने मौका दिया आपके यूट्यूब चैनल माई कंपनी पे आने का, और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे जो थॉट्स हैं, आपके और आपकी ऑडियंस के साथ शेयर करने का। तो संदीप भाई, सबसे पहले आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका दे दीजिए, उसके बाद हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जरूर विकास भाई। दोस्तों, मेरा नाम संदीप धर्रा है। यूट्यूब के ऊपर टेक विद इन नाम से मेरा एक चैनल है। इस चैनल के ऊपर जो है मैं फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। फाइनेंस जैसे कि बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, लोन ऐप्स हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गया। क्रेडिट कार्ड को जो है पिछले 14 से 15 साल से यूज कर रहा हूँ, तो इसके बेस पे आप ये कह सकते हो कि आज की डेट में क्रेडिट कार्ड को यूज करने में मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ, और किसी भी नए क्रेडिट कार्ड यूजर को, बिगिनर को गाइड कर सकता हूँ कि क्या बेस्ट तरीका है किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूज करने का, ताकि इन फ्यूचर उसको ज्यादा से ज्यादा जो है ऑफर्स और बढ़िया से बढ़िया बेनिफिट जो है क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक की तरफ से मिल पाए। संदीप भाई, आपको क्रेडिट कार्ड्स के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप पिछले 14-15 साल से क्रेडिट कार्ड्स का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए आज का जो सेशन है वो क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर ही रखते हैं। और मैं आपसे क्रेडिट कार्ड के बारे में ही कुछ डिटेल्स जानना चाहूँगा, ताकि लोगों को भी हम ये बता पाएं कि कैसे वो 1,00,000 रुपया क्रेडिट कार्ड से बना सकते हैं। तो सबसे पहले संदीप भाई, आप मुझे यही बता दीजिए कि बिगिनर्स के लिए आज के टाइम में सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है? विकास भाई, अगर बेस्ट क्रेडिट कार्ड की बात करें बिगिनर्स के लिए, तो बेस्ट की कैटेगरी क्रेडिट कार्ड्स में वेरी करती है आपकी स्पेंडिंग हैबिट के ऊपर। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो आपकी स्पेंडिंग कैसी है, उस बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड चूज करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, ऑफलाइन ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, या फिर आप जो है फ्यूल वगैरह ज़्यादा यूज करते हैं ट्रैवलिंग में, आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, तो उस केस में आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए। अब ऐसे में अगर एक ट्रैवल वाला जो इंसान है उसको कोई शॉपिंग वाला क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए, जो कि हालांकि उस सेगमेंट में सबसे बेस्ट है, इस कैटेगरी के लिए वो बेस्ट नहीं हो सकता। अगर आप बिगनर हैं, आपकी जो स्पेंडिंग हैबिट है आपको जरूर पहले उसको जो है नोट डाउन कर लेना चाहिए, उसके बेस पे आपको क्रेडिट कार्ड चूज करना चाहिए। और मैं सबको यही एडवाइस देता हूँ, जब आप बिगनर होते हैं तो आपको इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना पहला क्रेडिट कार्ड वही चुनना है जिसकी कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, एनुअल फीस नहीं है, यानी एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड जो आपको मिल रहा है, किसी भी बैंक से मिल रहा है, जो अच्छा बैंक है वो आप ले लें, उसको स्टार्ट करें यूज करना, और सही से यूज करोगे तो इन फ्यूचर आपको जो भी डिजायर वाला क्रेडिट कार्ड होगा वो मिल जाएगा। अगर आप फिर भी ऑप्शन रखना चाहते हैं बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर बिगनर्स, तो मैं यहाँ पर आपको एडवाइस देना चाहूँगा, आज की डेट में ICICI बैंक का जो अमेजन पे क्रेडिट कार्ड है उसको आप कंसिडर कर सकते हो, IDFC फर्स्ट बैंक के कई सारे क्रेडिट कार्ड है जो लाइफ टाइम फ्री है उनको कंसिडर कर सकते हो, आज की डेट में एक्सिस बैंक का जो एक्सिस माइक जोन क्रेडिट कार्ड है वो भी लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है उसको कंसिडर कर सकते हो, HDFC बैंक का कोई भी एंट्री लेवल का जो क्रेडिट कार्ड है उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। इनमें से कोई भी क्रेडिट कार्ड आप लोगे तो आपको जो है कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब बिगनर होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है क्रेडिट कार्ड को यूज करने का, और आप एक क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से अगर यूज करते हो तो इतने सारे बेनिफिट आपको उसको जो है इन फ्यूचर मिल जाते हैं, शायद जिनके बारे में आपको पहले से पता नहीं होता है। तो अगर आप पहला क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वाले हो तो आपको ये ज़्यादा कंसिडर नहीं करना है कि कौन सा मुझे लेना है, आपको सबसे बड़ा और सबसे पहला पॉइंट यही जो है नोट करना है कि जो क्रेडिट कार्ड आपको जो है लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है किसी भी अच्छे बैंक का, वो आपको ले लेना है, उसको यूज करना है, उसको यूज करने के बाद जो है दूसरे किसी क्रेडिट कार्ड पे आप जो है इजीली अप्लाई कर सकते हो, इजीली आपको जो है प्री अप्रूव्ड भी मिल सकता है। क्रेडिट कार्ड्स के जो है बहुत सारे बेनिफिट हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो हर इंडियन के पास एक क्रेडिट कार्ड जरूर होना चाहिए, अगर उसको सही से यूज करना आता है तो उस क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे फायदे वो अपने आप को पहुंचा सकता है। अच्छा संदीप भाई, आपसे यहां पर एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि अगर क्रेडिट कार्ड्स के इतने ज्यादा फायदे हैं तो फिर इंडिया में लोग क्रेडिट कार्ड्स का यूज क्यों नहीं करते हैं? इस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालिए, हमारे ऑडियंस को बताइए कि जब इतने ज्यादा फायदे हैं ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड्स के तो लोग क्यों नहीं यूज करते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसके पीछे, क्या रीजन है? विकास भाई, आपने ये बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन किया कि अगर क्रेडिट कार्ड के इतने सारे बेनिफिट है तो लोग इंडिया के अंदर क्रेडिट कार्ड यूज क्यों नहीं करते हैं।
अब आपने भी अपने आसपास ये जरूर सुना होगा कि इंडिया में क्रेडिट कार्ड के बारे में लोगों को जो है ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, उनको ये सही से पता नहीं है कि क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज़ करते हैं। दूसरा, लोगों के मन में ये मेंटलिटी है, ये परसेप्शन है क्रिएट हुआ कि क्रेडिट कार्ड तो वो लेते हैं जिनको कर्जा चाहिए, मतलब क्रेडिट कार्ड मतलब कर्जा। हालांकि ये बिल्कुल एक झूठा है, ये मिथ है, ऐसा कोई भी सच नहीं है। क्रेडिट कार्ड आपको तभी दिया जाता है जब बैंक को ये लगता है कि आप उसके टाइम पे पेमेंट कर पाओगे, बैंक के साथ आपका रिलेशन अच्छा होता है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के लिए इंडिया में, यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया के अंदर लोगों को क्रेडिट कार्ड यूज़ करना नहीं आता है और क्रेडिट कार्ड उनके पास नहीं है। देखा ये भी गया है कि आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड का जो है मिसयूज़ करते हैं। मिसयूज़ कैसे करते हैं, क्रेडिट कार्ड को कैश करवा लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड की जो भी उनको लिमिट मिलती है उसको स्वैप करके अपना घर रेनोवेट कर लिया, 1-1.5 लाख का फ़ोन ले लिया, हॉलीडे पे चले गए, मतलब बेकार के खर्चे वो क्रेडिट कार्ड से करते हैं और बाद में अपने आसपास के लोगों को वो बोलते हैं कि यार क्रेडिट कार्ड की वजह से ही मैं फंस गया, इतना कर्जा या ये जो पैसा है क्रेडिट कार्ड की वजह से ही मेरे सर पे आ गया। हालांकि ये सच नहीं है, ये आपके ऊपर इसलिए आया था कि आप अवेयर नहीं थे कि क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड के क्या मैक्सिमम बेनिफिट है वो आपको नहीं पता है, यही गलती आपने की है। और इसको सुनकर जो लोग क्रेडिट कार्ड नहीं ले के बैठे हैं वो भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई नहीं करते क्योंकि डरते हैं कि अरे शायद हम भी तो ऐसे नहीं फंस जाएंगे। यही रीज़न है कि इंडिया के अंदर लोग क्रेडिट कार्ड को यूज़ नहीं करते हैं। क्रेडिट कार्ड बहुत ही बढ़िया चीज़ है, अगर आप सही तरीके से इसको यूज़ करते हैं तो बहुत ही बढ़िया टूल है। अगर आप इसको लेंगे तो कभी भी आप पछताएंगे नहीं अगर इसको सही तरीके से यूज़ करने वाले हैं। ओके संदीप भाई, ये जानकर के हमें काफ़ी नॉलेज मिली होगी, ऑडियंस को भी, मुझे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं आपके साथ ये सेशन करके, क्योंकि मुझे खुद भी क्रेडिट कार्ड के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। तो अब मुझे आप एक संदीप भाई एक चीज़ बताइए कि जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, अगर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रखने के बारे में कोई सोचे तो एक बंदा कितने क्रेडिट कार्ड तक रख सकता है? विकास भाई, वैसे तो क्रेडिट कार्ड रखने की कोई भी लिमिट जो है गवर्नमेंट की तरफ से तय नहीं की गई है, ना ही RBI की तरफ से ऐसा कोई रूल है कि 1% कितने क्रेडिट कार्ड रख सकता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स रखते हैं तो आपको जो है ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि आप जितने ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखेंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेटमेंट्स जनरेट होंगी, उतनी ही पेमेंट्स डेट होंगी, उतने ही आपकी जो है कैशबैक ऑफर होंगी, रिवार्ड पॉइंट सिस्टम होगा, उतनी अलग अलग लिमिट होंगी, स्पेंडिंग हैबिट आपकी अलग हो सकती है। तो ऐसे में अगर आप ये सब चीज़ें ट्रैक कर सकते हो तो आप कितने भी क्रेडिट कार्ड रख सकते हो। मेरी तरफ से यही एडवाइस रहती है कि आप मैक्सिमम 4-5 क्रेडिट कार्ड रखो जो एक्टिव आप यूज़ करने वाले हो। अपनी लिस्ट में कितने भी क्रेडिट कार्ड रख सकते हो लेकिन मैक्सिमम 4-5 क्रेडिट कार्ड ऐसे रखो जिनको आप यूज़ करना चाहते हो अगर आपके पास ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि जितने ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे उतनी ही ज़्यादा चांसेज हैं कि आप कुछ ना कुछ जो है स्किप कर दोगे और आपका जो है लॉस हो सकता है। ओके संदीप भाई, इतना तो मुझे भी नहीं पता था, यहाँ पर इससे पता चल रहा है कि क्रेडिट कार्ड्स के तो बहुत ज़्यादा बम्पर बेनिफिट्स हैं और इतना मुझे भी गाइस नॉलेज नहीं थी जिन्होंने जितना संदीप भाई ने बताया, मुझे भी खुद इतना आइडिया नहीं था क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। तो मुझे भी आपके साथ ये सेशन करके काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल रही है। तो अब मैं संदीप भाई आपसे अगला क्वेश्चन ये जानना चाहूँगा, अगली चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर हम मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स की बात करें, अगर बंदा कोई एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रख सकता है तो किसी बंदे को कितने क्रेडिट कार्ड रखने चाहिए और आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं, आप कितने क्रेडिट कार्ड्स को एट ए टाइम यूज़ करते हैं? प्रकाश भाई, अगर यहाँ पर मैं अपने बारे में बताना चाहूँ कि मेरे पास टोटल कितने क्रेडिट कार्ड हैं तो मेरे पास आज की डेट में 7-8 डिफरेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं। उनमें से अगर मैं टॉप 5 क्रेडिट कार्ड की बात करूँ तो सबसे पहले नंबर पे HDFC बैंक का इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड आता है, एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड आता है, ICICI बैंक का कोरल क्रेडिट कार्ड आता है, SBI बैंक का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड आता है। वहीं एक और क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का जो है सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड, उसको भी मैं यूज़ करता हूँ। अगर ओवरऑल लिमिट की बात करूँ इन सभी क्रेडिट कार्ड की तो वो 19-20 लाख रुपये है जो कि मैं सही तरीके से यूज़ करता हूँ और मुझे अब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि मैं सारी चीज़ें जो है ट्रैक करके चलता हूँ कि क्या पेमेंट डेट है, क्या स्टेटमेंट डेट है, किस पे मुझे कितना बेनिफिट मिलता है, सभी चीज़ें मैं ट्रैक करके चलता हूँ तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ज़्यादातर मैं ये 4-5 ही क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं। ये काफी इंटरेस्टिंग चीजें बता रहे हैं आप संदीप भाई। तो अब मुझे एक चीज़ आप बताइए कि आपका सबसे फेवरेट क्रेडिट कार्ड कौन सा है इन सभी क्रेडिट कार्ड्स में से जो भी आप यूज़ करते हैं और जो भी आपने सजेस्ट किए हैं अभी हमारी ऑडियंस को? विकास भाई, अगर मैं अपने फेवरेट क्रेडिट कार्ड की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया कि मेरे पास जो है 7-8 क्रेडिट कार्ड है अलग अलग बैंक के, ओवरऑल जो लिमिट है 19-20 लाख रुपये है। लेकिन अगर मैं फेवरेट क्रेडिट कार्ड के बारे में बताऊंगा तो आपको और आपकी ऑडियंस को थोड़ी सी हैरानी होगी क्योंकि मेरा जो फेवरेट क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट सबसे कम है और वो एक बेसिक क्रेडिट कार्ड है। ये क्रेडिट कार्ड फेवरेट होने के दो सबसे बड़े रीज़न है। पहला रीज़न तो यह है कि मेरी लाइफ का सबसे पहला क्रेडिट कार्ड था जो मुझे 2006 के अंदर UTI बैंक की तरफ से मिला था।
यूटीआई बैंक आज की डेट में जो है एक्सिस बैंक है। हालांकि ये क्रेडिट कार्ड जब मुझे मिला था आज जो है वो अपग्रेड हो गया है। दूसरा रीजन इस क्रेडिट कार्ड का फेवरेट होने का ये है कि इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर ही मैं महीने के 1 लाख रुपीज़ कमा पाया हूँ। और ये एक बेसिक क्रेडिट कार्ड था जो मेरे लिए बहुत ही लकी था, फेवरेट था, पहला क्रेडिट कार्ड था इसलिए भी, और इस क्रेडिट कार्ड की वजह से ही मैं जो है अच्छे खासे पैसे अपनी लाइफ में कमा पाया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई आपने, आपके पास काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो संदीप भाई आप एक चीज़ और बताइए, आपके इन सब में से जितने आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपने नाम सजेस्ट किए अभी अभी, इनमें से सबसे बढ़िया क्रेडिट कार्ड आपको कौन सा लगता है, सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगता है और वो क्यों बेस्ट लगता है, तो ये आप प्लीज़ हमारी माई कंपनी के ऑडियंस को बताइए। वैसे तो विकास भाई मेरे पास 7 से 8 क्रेडिट कार्ड है और ये सारे ही क्रेडिट कार्ड अपनी अपनी जगह जो है बेस्ट हैं, लेकिन एक क्रेडिट कार्ड अगर मैं पिक करना चाहूँ आज के समय में तो वो बेस्ट है मेरे लिए HDFC बैंक का इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड। अब इसका ये रीज़न है क्योंकि मैं ट्रैवलिंग ज़्यादा करता हूँ तो मुझे इस क्रेडिट कार्ड पर जो है अनलिमिटेड एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस मिल जाता है, इंटरनेशनल मिल जाता है, डोमेस्टिक भी मिल जाता है। साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे मुझे कई सारे ऐसे बेनिफिट मिलते हैं जिनका मुझे फ़ायदा होता है होटल बुकिंग में या फिर आपकी जो फ्लाइट बुकिंग है उनमें होता है। जैसे माइल्स बेनिफिट है वो मुझे इस क्रेडिट कार्ड पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं और मेरी जो फ्लाइट टिकट्स हैं वो बहुत सस्ती पड़ जाती है। अगर इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में इस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है 13.5 लाख रुपये है। तो गाइस आपने जाना कि संदीप सर का फेवरेट क्रेडिट कार्ड कौन सा है और उसके रीजंस भी आपने यहाँ पर जान लिए। अब हम संदीप सर से जानना चाहेंगे कि संदीप भाई आप हमको बताइए हमारी ऑडियंस को, जिसके लिए हमारी ऑडियंस काफ़ी वेट कर रही है जानने के लिए, जानना चाहती है आपसे कि कैसे वो क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए बना सकते हैं 1 महीने के। और मैं खुद भी ये चीज़ जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी होगी ये चीज़ जानकर आपसे। जी विकास भाई मैं यहाँ पर आपकी ऑडियंस साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर वो कैसे महीने के 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि मैंने ये किया है और वो तरीका मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। आप में और मेरे में और जो हमारी ऑडियंस है उनमें सब में एक कॉमन चीज़ ये है कि हम सभी मिडिल क्लास से आते हैं और अधिकतर मिडिल क्लास लोग जो है नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं। अब आप बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको पैसा चाहिए। इन्हीं में से एक मैं भी था, कुछ साल पहले मैं जॉब करता था लेकिन मैं अपना बिजनेस करना चाहता था, मेरे पास फंडिंग नहीं थी, फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रांग नहीं था। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैंने बैंक को अप्रोच किया कि मुझे जो है लोन दे दीजिए, मुद्रा लोन या जितने भी टाइप के लोन होते हैं मैंने सभी ट्राई किए, लेकिन बैंक ने मेरा जो प्रपोजल है वो नहीं लिया, मुझे लोन नहीं दिया। उसके बाद मैंने जो अपने रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, सबको अप्रोच किया कि मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे सपोर्ट करो, मुझे पैसे दे दो। तो हालांकि 5 से 6 लाख रुपए कोई भी आपको नहीं देगा ये सच है, तो किसी ने भी मुझे जो है इतनी फंडिंग नहीं की, कोई 20,000 की कोई 50,000 की कह रहा था लेकिन उससे बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो मैं ये उम्मीद छोड़ चुका था कि शायद मैं कभी लाइफ में बिजनेस कर पाऊंगा और मुझे जो है पैसे कहीं से मिल पाएंगे। ऐसे में मुझे जो है एक बेस्ट ऑफर मिलती है अपने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड की तरफ से जो UTI बैंक का था, उसकी तरफ से मुझे ऑफर मिलती है प्री अप्रूव्ड लोन की। 5 लाख रुपये का ये लोन था और ये 11% एनुअल रेट पे मुझे मिला था, इफेक्टिव काफ़ी सस्ता रेट पड़ जाता है। 5 लाख रुपए का ये लोन मुझे बिना किसी डॉक्यूमेंट के मिल रहा था, 2 मिनट के अंदर ये लोन जो है मेरे अकाउंट में आ गया था। मेरे को इसके लिए कहीं भी बैंक में नहीं जाना था, किसी को भी कन्विंस नहीं करना पड़ा, ना ही किसी रिलेटिव को ये बताना पड़ा कि यार मैं क्या बिजनेस करने वाला हूँ, क्या होगा, जो जो चीज़ें होती हैं वो नहीं मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ी। और उस क्रेडिट कार्ड को जैसे मैं यूज़ करा था उसके बेस पे ही मुझे ये लोन ऑफर मिला था। मैंने उस 5 लाख के लोन को तुरंत ले लिया क्योंकि मैं तो इस मौके की तलाश में था कि मुझे कहीं से पैसे मिल जाए, मैं एक बिजनेस जो है स्टार्ट करूँ। मैंने वो 5 लाख रुपए किसी एक बिजनेस में लगाए जिसका मुझे आइडिया था कि इसमें मैं अर्निंग कर लूँगा। उस पैसे को मैंने जो है 7 से 8 महीने उसी बिजनेस में इन्वेस्ट रखा, काम करता रहा, इन्वेस्ट करता रहा और 8 से 9 महीने बाद उस बिजनेस से मैं हर महीने 1 लाख के अराउंड जो है अर्निंग कर रहा था। कभी मैं 1,20,000 रुपये कर रहा था तो कभी 80,000 रुपये कर रहा था, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप पैसे निकालेंगे पर मंथ की अर्निंग निकालेंगे तो 1 लाख रुपीज़ थी। जहाँ मैं एक तरफ बैंक के पीछे लगा हुआ था, रिलेटिव्स के पीछे लगा हुआ था, वहाँ से मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे, वहीं मुझे पैसे मिले कहाँ से, एक क्रेडिट कार्ड की वजह से। इसलिए जो मेरा पहला और सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट कम है वो मेरा फेवरेट क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि उस क्रेडिट कार्ड की वजह से ही मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाया और उसी क्रेडिट कार्ड की वजह से मैं 1 लाख रुपए महीना कमा पाया। टेक्निकली वो पैसे उस क्रेडिट कार्ड के थे, मेरे नहीं थे, क्रेडिट कार्ड मैंने सही से यूज़ किया इसीलिए मुझे मिला। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो फिर वो दरवाज़ा मेरे लिए ओपन नहीं होता, 1 लाख रुपए महीना में नहीं कमा पाता। इसलिए मैं कहता हूं कि एक क्रेडिट कार्ड सबको ज़रूर रखना चाहिए। और अभी मैं एक प्रैक्टिस कर रहा हूं जहां पर क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर बिना कुछ एक्स्ट्रा पे किए हुए, यानी जो मैं स्पेंडिंग कर रहा हूं वो तो मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूं,
उसके बगैर कुछ भी मुझे स्पेंड नहीं करना है, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है, सेपरेट कोई भी पैसा मुझे नहीं लगाना है। अगर मैं सेम पैटर्न पे ये जो है इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा तो अगले 20 साल में विकास भाई मैं क्रेडिट कार्ड को यूज कर जो है 10 लाख से ज़्यादा की अमाउंट जो है अर्न कर लूँगा। कोई भी एक्स्ट्रा पैसे मैं अपनी तरफ से इसमें नहीं डालने वाला हूँ। लोगों को बस अवेयरनेस नहीं है कि क्रेडिट कार्ड का सही से कैसे यूज़ करना है। अदरवाइज क्रेडिट कार्ड जो है बेस्ट टूल है मेरी नज़र में, तो मेरे लिए तो बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ है और क्रेडिट कार्ड की वजह से ही मैं अच्छा खासा काम कर पाया, लाइफ में जो है इंडिपेंडेंट हो पाया, फाइनेंशियली जो फ्रीडम मुझे है मिल पाई, वो क्रेडिट कार्ड ही उसका सबसे बड़ा रीजन है। बहुत बढ़िया चीज़, बहुत ही अच्छी चीज़ आपने बताई संदीप भाई, मुझे भी जान करके बहुत अच्छा लगा। और मैंने ये चीज़ कभी नहीं सुनी थी, ना मैंने कभी इमेजिन किया था कि क्रेडिट कार्ड्स का इतना अच्छा तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। तो गाइज आई होप आपको भी ये चीज़ें जो बताई है संदीप सर ने काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होंगी, काफ़ी यूजफुल चीज़ें उन्होंने बताई हैं। अब संदीप भाई आप मेरे को एक चीज़ और, जैसा कि आपने बताया कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और इन्वेस्ट करके भी पैसा कमाया जा सकता है, तो वो कैसे पॉसिबल है, ये चीज़ भी आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को बताइए। जी विकास भाई, मैं आपकी ऑडियंस के साथ और अपने व्यूअर के साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज़ कर आप अगले कुछ सालों में जो है 10 लाख रुपये कैसे कमा सकते हो। आप और मैं और बहुत सारे लोग जो है मिडिल क्लास से आते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली में एक एवरेज जो खर्चा है मंथली वो 10,000 रुपये जरूर होगा। ग्रोसरी का हो सकता है, कुछ और शॉपिंग का हो सकता है, वेजिटेबल्स का हो सकता है, ये सब मिला के 10,000 रुपये खर्चा हर एक फैमिली के अंदर होता है। अभी तक हमारी जो हैबिट है स्पेंडिंग की वो ये है कि हम सारी चीज़ें जो है कैश में करते हैं। अब कैश हमने दिया और सामान लिया, बात खत्म, हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहा है। यहीं पर एंट्री होती है क्रेडिट कार्ड्स की। अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हो, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप गिफ्ट वाउचर परचेज कर सकते हो, उस पर आपको जो है 3% से लेकर 20% तक का कैशबैक मिलता है। साथ में क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट आपको अलग से मिलते हैं। आप ई वाउचर परचेज कर सकते हो, गिफ्ट वाउचर परचेज कर सकते हो, हरेक प्लेटफॉर्म के आपको जो आज की डेट में गिफ्ट वाउचर मिलते हैं। चाहे आप बिग बास्केट की बात करें, ग्रूफर की बात करें, आप जो है पेंटालून की बात करें, हर सेगमेंट में ऑनलाइन ऑफलाइन आपको जो गिफ्ट वाउचर मिलते हैं। अब यहाँ पर हमने जैसे बताया कि 10,000 रुपये खर्चा आपका महीने का है, अगर आप 10,000 रुपये के गिफ्ट वाउचर परचेज कर वो सारे आइटम जो है परचेज करते हैं जो आपके घर के लिए रिक्वायरमेंट है, उस पर आप ऑन एवरेज 5% का भी अगर ये लगाते हैं कैशबैक मिलता है, यानी 10,000 पे आपको जो 500 रुपये कैशबैक मिलता है। उस 500 रुपयों को अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में SIP में 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाल रहे हो, पहले आप ये 10,000 रुपये में कैश खरीद रहे थे, आप ये सिर्फ अभी क्रेडिट कार्ड पे परचेज कर रहे हो और वहाँ पर आपको जो कैशबैक मिल रहा है 5%, मैं एवरेज लगा रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी मिलता है, 500 रुपये जो कैशबैक मिल रहा है उसमें आपने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला है, या आपको इसलिए मिल रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड से इसको परचेज कर रहे हो। अब ये 500 रुपये अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP में अगले 20 साल के लिए डालते हो, अगर आपको रिटर्न जो एनुअल रिटर्न है 12% भी मिनिमम रखते हो, 12 या 12.5% भी रखते हो, और हर साल अगर ये स्पेंडिंग जो है बढ़ेगी, कैशबैक 10% बढ़ेगा, तो आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि अगले 20 साल बाद आप जो 500 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करने वाले हो हर साल 10% इंक्रीमेंट के साथ, यानी इस साल 500, अगले साल 550, उससे अगले साल जो है 605 रुपये के आसपास, ऐसे हर साल ये 10% इंक्रीज होता रहेगा। अगले 20 साल में ये जो टोटल अमाउंट आप इन्वेस्ट करने वाले हो बहुत ही कम होगी, लेकिन इसका जो आपको आउटपुट मिलने वाला है, जो कॉर्पस मिलने वाला है, वो 10 लाख से भी ज़्यादा रुपये आपको मिल जाएंगे। ये सेम प्रैक्टिस मैं तो कर रहा हूँ, बिल्कुल लीगल तरीका है, क्योंकि आप कैशबैक अर्न कर रहे हो, उसको आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो और ये कैशबैक तुरंत आपके अकाउंट में आ जाता है। तो आप इस तरीके से अगर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करोगे, कोई भी अगर यूज़ करेगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इन फ्यूचर वो क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकता है, बना सकता है। अगर आप स्पेंडिंग जाते हो तब ज़्यादा बना सकते हो, कम है तो थोड़े कम बन जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि ऑन एवरेज 10,000 रुपये तो हर एक मिडिल क्लास फैमिली में स्पेंडिंग होती है, उस पर अगर आप 5% कैश भी कैलकुलेट करते हो 20 साल के लिए SIP या म्यूचुअल फंड में, जिसका जो आपको रिटर्न है 12 या 12.5% मिलता है, तब भी आप जो है 10 लाख से ज़्यादा रुपए कमा लोगे। हालांकि रिटर्न जो है म्यूचुअल फंड में और SIP में ज़्यादा मिलते हैं, मैं 12 साढ़े 12% बिल्कुल मिनिमम लगा रहा हूं। तो अगर आप ऐसे यूज़ करोगे तो आपको अच्छी अमाउंट जो है 20 साल बाद मिल जाएगी। और ये पैसे इसलिए मिल रहे हैं कि आप क्रेडिट कार्ड को सही से यूज कर रहे हो, आपका कोई एक्स्ट्रा पैसा इसमें नहीं जा रहा। ओके संदीप भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस आज माई कंपनी के मंच पर आकर के आपने हमका वैल्यूएबल टाइम दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। तो प्लीज़ आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, एक बार प्लीज़ शेयर कर दीजिए।
थैंक यू सो मच विकास भाई, आपका और आपकी ऑडियंस का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ऑडियंस ने जो मेरा एक्सपीरियंस सुना है, जो मैंने इस वीडियो में शेयर किया है, क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिट हैं, सही से कैसे यूज़ करें, उनको अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे और इन फ्यूचर क्रेडिट कार्ड भी उनके लिए बहुत से ऐसे दरवाजे ओपन करेगा जो उनको लगता है कि लाइफ में कभी भी ओपन नहीं हो सकते। जैसे कि मेरी लाइफ में तो हुआ कि मैं बिजनेस कर पाया सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड की वजह से, और मेरा जो माइंड और जो फाइनेंशियल फ्रीडम है मेरी लाइफ में आई एक क्रेडिट कार्ड को सही से यूज कर। तो लास्ट में यही मैसेज देना चाहूँगा कि हर एक इंसान को एक क्रेडिट कार्ड जरूर रखना चाहिए अगर वो सही से उसको यूज़ कर सकता है। बाकी अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो विकास भाई के चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे भी आकर कोई सवाल अगर पूछेंगे तो मैं अपने हर एक कमेंट का जो है रिप्लाई जरूर करता हूँ। ओके संदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। और गाइस आपने देखा संदीप सर ने कितनी यूजफुल चीज़ें बताई आपको क्रेडिट कार्ड्स का कैसे सही तरीके से यूज़ करना है, ये चीज़ें काफ़ी उन्होंने आपको अच्छे तरीके से बताई और वो खुद कैसे यूज़ करते हैं उन्होंने ये चीज़ आपको काफ़ी ढंग से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप भी जाकर के टेक बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं और संदीप सर इसी तरीके का आगे भी आपके लिए सेशन लेकर के आते रहेंगे। तो प्लीज़ आप जाकर के टेक बुद्धि को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।